राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम यानी कि RKSMB SA2 आकलन आपका जो द्वितीय होने वाला है, सेकंड समेटिव असेसमेंट, उसका जो पेपर है आपके 15, 16 और 18 जनवरी 2024 को होगा। ये क्लास सेवन्थ का इंग्लिश का एक मॉडल पेपर आपके सामने है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। साथ ही मैं आपके लिए सभी विषय के जो पेपर हैं वो यहाँ पे मॉडल पेपर अपलोड करूँगा, तो उसके लिए आप चैनल को भी से सब्सक्राइब कर लेना और अपना जो ऐप है इसको ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। आपको मॉडल पेपर वगैरह आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। साथ ही आप अपना पेपर जो भी है अपने पास में वो इस व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हैं। और सातवीं क्लास का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो 15, 16 और 18 जनवरी 2024 को जो आपके SA2 होने वाला है उसके लिए क्लास सेवन्थ का ये इंग्लिश का एक पेपर आपके सामने है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपका जो ये पेपर इसमें हम देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से आपको पेपर देखने को मिलेगा। इसमें आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है और यहाँ पर अपने रोल नंबर लिखने हैं। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उन सभी के उत्तर आपको एक OCR शीट दी जाएगी। उन प्रश्नों के उत्तर आपको OCR शीट में टिक करना है। तो ये पेपर मिलेगा और एक आपको उसके साथ में OCR शीट मिलेगी, तो उसमें आपको उत्तर भरने होंगे। तो पहला प्रश्न इंग्लिश का आपके सामने है। सेलेक्ट द प्रॉपर वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इनमें आपको एक उचित शब्द का चयन करते हुए इस वाक्य को पूरा करना है। तो फर्स्ट इसमें आपके ये है, आई नो द पर्सन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ, वाज प्रेजेंट यस्टरडे नाइट, जो कल रात्रि को मिला था। तो जो आ रहा है इसमें, जो हिंदी में इसमें मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जो, तो जो उसको कल रात्रि शाम को मिला था। तो जो के लिए इसमें हु, वोम, वोज, विच, ये जो, जिसका, जिसे या जिसकी, तो ये आपके जो के लिए आएगा इसमें WHO आ जाएगा, हु। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, चूज द राइट वर्ड टू द कंप्लीट गिवन क्वेश्चन। इसमें आपको राइट वर्ड चूज करना है जिससे कि ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए। इसमें पहला है आपके लिए रिक्त स्थान है, स्टूडेंट आर देयर इन योर क्लास, क्लास में स्टूडेंट हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, कितने स्टूडेंट हैं, तो व्हाट, क्या स्टूडेंट है तुम्हारी क्लास में, हु, कौन स्टूडेंट तुम्हारी क्लास में, हाउ, कैसे स्टूडेंट तुम्हारी क्लास में, या फिर हाउ मेनी स्टूडेंट आर इन देयर इन योर क्लास, कि तुम्हारी क्लास में कितने विद्यार्थी हैं। तो कितने के लिए हम क्या लिखेंगे, हाउ मेनी। तो इसमें आपके फर्स्ट ऑप्शन ये सी ऑप्शन हो जाएगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास। तो इसमें आपके सी वाला सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके, द अंडरलाइंड वर्ड इज, जो अंडरलाइन कर रखा है वो वर्ड क्या है, वो शब्द क्या है। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो ये लार्जेस्ट है, तो लार्जेस्ट क्या है, सबसे बड़ा क्या है, ये एक राजस्थान की विशेषता बता रहा है, ठीक है, ये विशेषण कहलाता है। हिंदी में इसको विशेषण कहते हैं और अंग्रेजी में इसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये नाउन नहीं है, एडवर्ब नहीं है या फिर प्रोनाउन नहीं है, ये क्या है, एडजेक्टिव, इसको हम विशेषण कहते हैं। ये राजस्थान की विशेषता बता रहा है कि वो भारत का सबसे बड़ा स्टेट है, तो ये एडजेक्टिव इसमें आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर चार है, विच वन ऑफ द गिवन सेंटेंस इज इन ए प्रॉपर ऑर्डर, इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो प्रॉपर ऑर्डर में दे रखा है। तो फर्स्ट है, आई रीड कैन एंड राइट इंग्लिश, ये तो नहीं होगा इसमें, आई कैन होता है, कैन आई इंग्लिश रीड राइट एंड, ये एंड लास्ट में दे रखा है जबकि ये बीच में आता है और क्वेश्चन मार्क आता है इसमें। आई एंड, ये एंड पहले दे दिया जबकि ये रीड और राइट के बीच में आता है। तो ये इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है कि आई कैन रीड एंड इंग्लिश, आई कैन रीड एंड राइट इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ भी सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। तो आई कैन रीड इंग्लिश, आई कैन रीड एंड राइट इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ और लिख सकता हूँ। पांचवें क्वेश्चन में आपको कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रोनाउन, इसमें आपको प्रोनाउन भरना है। तो प्रोनाउन में शी आ रहा है, तो शी के लिए क्या आता है, शी के लिए आएगा आपके हर, हर सेल्फ आ जाएगा। शी हैज सॉल्व द पजल, तो उसने जो पजल सॉल्व किया है वो खुद से किया है। तो सी के लिए क्या आएगा, हिम तो आएगा नहीं, देम आएगा नहीं, तो इट आएगा नहीं, तो ये क्या आएगा इसमें, हर आएगा। अगर यहाँ पे ही होता, HE, तो ही के लिए हम क्या भरते, हीम भरते हैं। यहाँ पे इट होता तो इट सेल्फ भरते हैं, दे होता तो देम सेल्फ भरते हैं। तो जैसा यहाँ पे दे रखा है उसके अनुसार आपको प्रोनाउन भरना है।
फिर आपके क्वेश्चन है छठा, कंप्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन द ब्रैकेट। इसमें आपको ब्रैकेट में दे रखी है वर्ब, इसके आधार पर आपको इस वर्ड इस सेंटेंस को पूरा करना है। तो जो वार्षिकोत्सव है वो अगले सप्ताह मनाया जाएगा। तो ये है कि एन एनुअल फंक्शन विल बी सेलिब्रेट नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सातवां, सेलेक्ट द राइट क्वेश्चन फॉर द सेंटेंस दैट फॉलो। इसमें जो इसका दे रखा है उत्तर, इसका आपको राइट क्वेश्चन को चूज करना है। नो आई डोंट प्ले क्रिकेट, नहीं मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। तो इसके लिए ये किसी ने उत्तर दिया कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो उसके लिए प्रश्न क्या होगा, डिड यू प्ले क्रिकेट, इज यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट या डज यू प्ले क्रिकेट। तो इसके लिए जो सही क्वेश्चन हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, डू यू प्ले क्रिकेट। तो बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना जो ऐप है उसको जरूर डाउनलोड कर लेना। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके आने वाले जितने भी पेपर्स हैं वो सभी मिस हो जाएंगे और आप जो अच्छे से पेपर नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूर से आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आंसर करवाए जाएँ वो आपको फ़ायदेमंद साबित हो सके। क्वेश्चन नंबर 8 है, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फॉर द इमेज गिवन बिलो। ये जो इमेज दे रखी इसको देख के आपको सेलेक्ट करना है जो करेक्ट सेंटेंस है वो। ये क्या है, हॉर्स एक घोड़ा है, घोड़ा क्या कर रहा है दौड़ रहा है, घोड़ा क्या कर रहा है दौड़ रहा है। तो इसमें आपको देखना है हॉर्स इज रनिंग, घोड़ा दौड़ रहा है, हॉर्स इज ग्रेजिंग, क्या घोड़ा चल रहा है घास खा रहा है, घोड़ा इज सीटिंग, क्या हॉर्स इज सीटिंग, क्या घोड़ा बैठा हुआ है, या हॉर्स इज ड्रिंकिंग वाटर, क्या घोड़ा पानी पी रहा है, क्या काम कर रहा है, दौड़ रहा है। तो हॉर्स इज रनिंग हो जाएगा, हॉर्स इज रनिंग। अच्छा, हॉर्स का ऑपोजिट जेंडर क्या होता है, एच ओ आर एस सी, हॉर्स का ऑपोजिट जेंडर क्या होता है, ठीक है, ऑपोजिट जेंडर बताना है। जैसे एक काऊ का क्या होता है, काऊ का होता है ऑक्स, मदर का क्या होता है, मदर का होता है फादर, एम ओ टी एच आर, मदर का होता है फादर। ऐसे ही आपको हॉर्स का बताना है कि हॉर्स का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा। एक आपको ब्रदर का बताना है, बी आर ओ टी एच ई आर, ब्रदर का, बी आर ओ टी एच ई आर, ब्रदर का आपको ऑपोजिट जेंडर बताना है। जैसे माता का पिता होता है, गाय का बैल होता है, इसी प्रकार से ब्रदर का क्या होता है कमेंट करके बताना है। फिर आपको एक रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन 9 to 11 फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें आपको एक पैसेज दे रखा है, उसको ध्यान से पढ़ना है और उसके प्रश्नों के उत्तर आपको इसी पैसेज में से ढूंढ के देना है। तो पैसेज क्या है, डिसिप्लिन इज वेरी नेसेसरी इन एवरी डे लाइफ। जो डिसिप्लिन, जो अनुशासन है वो हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है, हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही आवश्यक है। डिसिप्लिन इज अ मस्ट फॉर सक्सेस। डिसिप्लिन में अगर कोई व्यक्ति रहता है तो उसको जो अगर कोई सफलता प्राप्त करना चाहता है, सक्सेस प्राप्त करना चाहता है, तो उसका जो डिसिप्लिन में होना बहुत ही ज़रूरी है। इट हेल्प्स यू टू डू वर्क ऑन टाइम। यह आपको अपना जो कार्य है वो ऑन टाइम पे यानी कि समय पर करने में मदद करता है। डिसिप्लिन मेक्स यू हम्बल एक्टिव एंड स्मार्ट। डिसिप्लिन आपको क्या बनाता है, हम्बल बनाता है, एक्टिव सक्रिय बनाता है, स्मार्ट बनाता है। तो ये डिसिप्लिन का जो महत्व है, आपको खुद को भी अपने को भी डिसिप्लिन में रहना चाहिए, स्कूल में भी, ताकि जो आप जो अपना समय काम है जो समय पे कर सकें। तो पहला क्वेश्चन इसमें पैसेज पर आधारित ये है कि सेलेक्ट द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड फेलियर। इसमें आपको फेलियर का ऑपोजिट बताना है यानी कि इसका विलोम शब्द बताना है। फेलियर का मतलब होता है फेल होना, इसका उल्टा क्या होगा, पास होना, सक्सेस होना। तो इसमें जो दे रखा है वो इस प्रकार से है, डिसिप्लिन अनुशासन, वेरी बहुत, स्मार्ट या फिर सक्सेस। तो इसका जो उत्तर है वो आपके हो जाएगा सक्सेस। फेलियर का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। मैं आपको कुछ और ऑपोजिट पूछता हूँ, उसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। एक तो आपको ओल्ड का ऑपोजिट बताना है, एक आपको स्मॉल का ऑपोजिट बताना है, एस एम ए डबल एल, स्मॉल का ऑपोजिट क्या होता है। ओल्ड मतलब पुराना, इसका नया का आपको अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो बताना है, स्मॉल का बताना है। एक आपको लॉन्ग का बताना है, लॉन्ग का ऑपोजिट क्या होगा, और एक आपको पुअर का बताना है, ठीक है, पुअर। ये चार आपको मैंने शब्द दिए, वर्ड दिए, इनके आपको ऑपोजिट वर्ड बताना है। तो ज़रूर आप कमेंट करके बताना, देखिए इनको ऑपोजिट वर्ड क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दसवां, द सिमिलर वर्ड फॉर डेली इज। सिमिलर वर्ड बताना है डेली के लिए, डेली का सिमिलर वर्ड क्या होगा। तो डेली के लिए सिमिलर वर्ड क्या होगा, डेली यानी कि रोजाना, हमेशा,
तो संडे सोमवार रविवार तो नहीं होगा, मंडे सोमवार भी नहीं होगा, ऑल डे सभी दिन भी नहीं होगा, एवरी डे प्रतिदिन होगा, डेली रोजाना प्रतिदिन एक ही बात दोनों, ये इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा। इसी प्रकार से 11वां क्वेश्चन है, डिसिप्लिन हेल्प्स टू डू वर्क, ये आपके पैसेज में से हूबहू उठा के दिया गया है, तो आपको मिलान करना है डिसिप्लिन हेल्प्स टू डू वर्क, ये कहाँ पे आया, इट हेल्प्स, इट किसके लिए आया, डिसिप्लिन के लिए आया, इट हेल्प्स यू टू डू वर्क ऑन टाइम, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑन टाइम हो जाएगा, आफ्टर टाइम नहीं होगा, विथ टाइम नहीं होगा, वन टाइम नहीं होगा, ऑन टाइम इसका उत्तर हो जाएगा, ये दे रखा है ऑन टाइम, तो हू बहू आपका पैसे से उठा के इसको दे दिया है ऑन टाइम। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, वो आपको एक क्वेश्चन आंसर दे रखा है और इस एक सेंटेंस दे रखा है, इसमें आपको कंजक्शन सूटेबल कंजक्शन ज्वाइन करना है, सेलेक्ट द सूटेबल कंजक्शन टू ज्वाइन द गिवन सेंटेंस, इसमें आपको कंजक्शन ज्वाइन करना है, ठीक है, इसमें आपके आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, माई सिस्टर कैन स्पीक इंग्लिश, मेरी जो बहन है वो भी इंग्लिश बोल सकती है, अंग्रेजी बोल सकती हैं, तो इसमें दोनों के लिए काम हो रहा है, इसमें कंजक्शन क्या आएगा, बोथ एंड आएगा, फिर दोनों के लिए, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, माई सिस्टर कैन स्पीक इंग्लिश, तो इन दोनों के लिए ये इंग्लिश बोल सकते हैं, तो ये आपके बोथ एंड आ जाएगा, ठीक है, तो इसका उत्तर आ जाएगा आपके फर्स्ट ऑप्शन बोथ एंड। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, चूज सूटेबल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, इसमें आपको सूटेबल आंसर चूज करना है, कैन यू लिफ्ट 50 kg वेट, क्या तुम 50 किलो वजन उठा सकते हो, तो इसका जो सूटेबल क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, इसका सूटेबल आपको आंसर बताना है, क्या तुम 50 किलो वजन उठा सकते हो, तो इसका आंसर क्या होगा, यस हाँ मैं 50 किलो वजन उठा सकता हूँ, इस प्रकार से होगा, तो यस आई कैन लिफ्ट 50 kg वेट, यस हाँ मैं 50 किलो वजन उठा सकता हूँ, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस चूजिंग सूटेबल ऑप्शन, इसमें आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बदलना है, विराट प्लेज फुटबॉल, विराट फुटबॉल खेलता है, विराट फुटबॉल खेलता है, तो इसका आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बदलना है, तो विराट फुटबॉल खेलता है ये, तो ठीक है, तो इसको आपको कंटिन्यूस में बदलना है, तो कंटिन्यूस यानी कि विराट फुटबॉल खेल रहा है, विराट इज़ प्लेइंग फुटबॉल, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे आपको पता है कि अपने इंडिया के जो प्लेयर है एक विराट कोहली, वो फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो आपको कमेंट करके बताना है कि विराट कोहली कौन सा खेल खेलते हैं, विराट कोहली का जो संबंध है, जो इंडियन टीम के कैप्टन भी हैं, तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो विराट कोहली है वो कौन सा खेल खेलते हैं, और आपका फेवरेट गेम कौन सा है, मुझे कमेंट करके आपको बताना है कि आपका जो सबसे फेवरेट गेम कौन सा है, आपको कौन सा खेल सबसे अच्छा लगता है, आपको ये प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताना है। 15वां क्वेश्चन है, सेलेक्ट करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट गिवन सेंटेंस, इसमें आपको करेक्ट वर्ड को सेलेक्ट करना है कंप्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, इंडिया फ्रीडम इन ईयर 1947, भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त कब की, आज़ादी प्राप्त कर की कब की, 1947 में, तो इंडिया गोट आएगा इसमें, ठीक है, इंडिया ने आज़ादी प्राप्त की या, तो इसमें आ जाएगा आपके गोट, तो आपके ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अपना देश तो 1947 में आज़ाद हुआ, जो हम 15 अगस्त मनाते हैं, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ था, इसलिए हम अपना जो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, जिसको हम गणतंत्र दिवस कहते हैं, गणतंत्र दिवस कहते हैं, आप में से किसी को पता हो तो आप कमेंट करके मुझे बताना कि हम अपना 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने आसपास से पूछ के कमेंट करके बताना कि ये 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं। 15 अगस्त हम इसलिए मनाते हैं कि हमने इस दिन आज़ादी प्राप्त की थी, ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके इंडिया गॉट फ्रीडम इन द ईयर ऑफ 1947। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपके लिए पेपर है, तो आप ज़रूर से इस प्रकार की तैयारी आपको करनी है ताकि आपको जो इंग्लिश का पेपर हो काफ़ी अच्छा हो। मैं आपके लिए इंग्लिश के अलावा हिंदी के और गणित के भी पेपर अपलोड कर रखे हैं, तो वो भी आप देख लेना, उनके भी आप लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, साथ ही आप हमें व्हाट्सअप मैसेज पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर भी इसका सॉल्यूशन पेपर का जो दे दिया जाएगा।
और ऐप को ज़रूर से डाउनलोड कर लेना, ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या आपको प्ले स्टोर पर सजदा सर्च करना है श्रीराम क्लासेस तो भी आपको ऐप वहाँ पे इस कलर में आपको अपना नाम लोगो मिल जाएगा। तो ज़रूर से आप ऐप को डाउनलोड कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना है और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये पेपर। चैनल को सब्सक्राइब करके ऐप को डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।